से कैसे खेल रहे हैं? भूत है कि रैपर? दुनिया को हम जैसे तैसे झेल रहे पे मेरे बच्चे। फिर से आप सभी के लिए दो बड़ी बिग अपडेट लेके आओ। पहली अपडेट है करीम नाटी की और दूसरी है राउंड 12 की। तो गाइस ज्यादा देर ना करते मैं आप सभी को फटाफट अपडेट बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि यार आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बिग अपडेट देता हूँ करी मिनाटी के बारे में, क्योंकि करी मिनाटी ने फिर से चंद ही घंटों के अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना ले जो अपना में बड़ी बात होती है। क्योंकि करी मिनाटी का एक न्यू वीडियो रोज वीडियो, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी जो भूत रहते हैं, जो पाकिस्तान के वीडियो बनाते हैं, मतलब भूत के वीडियो, उनको रोज किया। और किस तरह से रोज किया मैं आप सभी को छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं, उसके बाद आप सब बताने वाला हूं कि उन्होंने कौन कौन से नए नए रिकॉर्ड बनाए ये वीडियो के रिलेटेड। तो आप सबसे पहले वीडियो का छोटा सा पार्ट देख लीजिए। रहूंगा वही है तू जहाँ पे। चले जाओ मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। हम चले जाएंगे, आप बताओ क्यों रहते हो यहाँ पे, क्या वजह है? ये मेरा घर है। ये तो इनकी जमीन है। भूत के कान कमजोर हो रखे हैं, अगर तुम मरने के बाद अपाहिज बन जाओ तो भूत बनने का फायदा क्या है? ऐसी बात नहीं मानेगा। मत बड़ो। ये पाकिस्तानी पाब्लो एस्कोबार डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाह रहा है, पर तो कुछ रहा नहीं है, बस उंगली घुमा लो। और जब भैया घोस्ट हंटर चिल्ला रहा था तो भूत के कान कमजोर थे, अब जब वो खुसर पसर कर रहा है तो अगले का शरीर भस्म हो रहा है। अरे भूतनी के। तो क्या मैं छोटा मोटा वीडियो देख लिया हूँ किस तरह से करी मिनाटी ने पाकिस्तान के भूतों को रोज किया। और इसी के साथ आप सब बता दो करी मिनाटी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। आप सभी को बता दे चलो सिर्फ सिर्फ 6 घंटे के अंदर 1.1 मिलियन लाइक हो चुके हैं। 1.1 मिलियन मतलब आप सभी समझ रहे हो 11 लाख लाइक, वो भी सिर्फ 6 घंटे के अंदर। मैं लाइक की बात कर रहा हूँ, व्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। और आप सभी को व्यूज़ भी दिख रहे होंगे 3.4 मिलियन। आप सबको बता दूँ ये पूरे व्यूज़ अभी काउंट नहीं हुए, हालांकि इस पर 5 मिलियन के प्लस कुछ व्यूज़ हो चुके हैं। और आप सभी सोच सकते हैं कि 1.1 मिलियन लाइक मिलना एक अपना में बड़ी बात है यूट्यूब पे, वो भी सिर्फ 6 घंटे के अंदर। तो क्या ऐसे में था करी मिनाटी का एक बड़ा रिकॉर्ड? तो इसी पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी को। दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन तो राउंड 12 के बारे में। आप सब बता दो राउंड 12 ने कई दिनों के बाद जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उस पर एक पोस्ट करा उनके न्यू वीडियो के रिलेटिव, जब से मेरी स्क्रीन पर दिखी रहा हूँ जहाँ पर एक हाथ है उसको खून लगा हुआ, यानी कि आप बता दो ये सीन आप सभी को उनके न्यू वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा जोम्बी पार्ट 2 के अंदर। और आप सभी को बता दो तकरीबन 2 या 2.5 महीने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ डाला है ऑफिशियल अकाउंट पर। और इसी के साथ आप सभी को एक और अपडेट दो राउंड 12 के नाजिम भाई के बारे में। जैसे कि आप सभी को बता कि राउंड 12 के बारे में हर कोई जानना चाहता है, उनके फैमिली के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, उनके भाई बहन के बारे में। इसी में आपको बता दो राउंड 12 के नाजिम भाई के भाई का फोटो मुझे मिला है और सेम टू सेम उनका भाई दिखता है, जैसे आप सभी को दिख ही रहा हूँ, जो कि उनके कैमरा मैन ने अपने स्टोरी के अंदर लगाया था, आप सभी को दिख ही रहा हूँगा। ऐसा समझिए कि पूरे 2 कॉपी नाजिम भाई की कॉपी आप सभी को दिख रहे हैं, जिनका नाम है नज़ीर अहमद। मैंने इनके अकाउंट पे जाके देखा हो, सेम टू सेम नाजिम भाई के जैसे दिख रहे हैं, जो कि उनके सगे भाई है। तो ऐसे में आप सभी देख रहे होंगे नाजिम भाई के भाई किस तरह दिखते हैं, इनका नाम है नज़ीर अहमद। आप इन इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको नाजिम भाई के भाई किस तरह लगे, कि नाजिम भाई के डुप्लीकेट लगे या कुछ डिफरेंट लगे, कमेंट करके जरूर बताइए। तो कही थी मेरी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, जैसी मुझे कुछ अपडेट मिलती है राउंड 12 की न्यू वीडियो के बारे में तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और इसी के साथ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतना फैला दीजिए ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे।